कन्हैया माधोपुर प्रथम से सभासद प्रत्याशी। इरफान भाई ये बताइए, चुनाव लड़ने की वजह क्या है आपकी कन्हैया माधोपुर वार्ड से? हमें चुनाव लड़ने की जनता का जो है काम करना है, साफ सफाई ये सब करना है, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने जनसंपर्क किया चुनाव की तैयारी के दौरान? जी जी। तो क्या आपने यहाँ पर कमियाँ क्या? वहाँ पे रोड नहीं बने हैं और बहुत जो है दिक्कतें हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है बिल्कुल, ये सब दिक्कतें हैं। बीजेपी और सरकार तो दावा करती रहती है लगातार डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, तो इससे आप कितने परसेंट खुश हैं, कितने परसेंट आपके? तो 75% समझिए काम होता ही नहीं है। हाँ। जो हमारे प्रत्याशी पिछले सभासद हैं उनसे बिल्कुल काम हुआ नहीं है वहाँ पे। हाँ। तो अच्छा, अभी तक जो है आपकी पार्टी के जो है पार्षद हो या प्रत्याशी हो, वो आरोप लगाते रहे कि बजट नहीं सरकार देती है क्योंकि हम लोग अच्छी हैं, तो क्या ये सच्चाई है, आप? हाँ, ये भी हो सकता है बजट ना आ रहा हो क्योंकि, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं हुआ है बिल्कुल। पार्षद जी ने कहा कई करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में अपने लगाए हैं लेकिन विकास कार्य नहीं, वो तो सर्वे करने पे दिखेगा, सब यूं ही रोड पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा है, नाले भरे हुए हैं और लाइटें लगी नहीं है, अंधेरा रहता है रात में सब। अगर आप देखते हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है, तो मूल समस्याएं क्या क्या है जो आप उसको समाप्त करना चाहते? पानी की समस्या है और लाइट की बहुत समस्या है और रोड भी बहुत ख़राब हैं, साफ सफाई का भी, नाले का, पूरी समस्याओं का हल करेंगे। अभी कल जो है डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी की बहुत भारी अंतरों से जीत हुई है, समाजवादी पार्टी इसका जश्न भी बहुत ही बंपर मना रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पे पूरा परिवार लगा हुआ था, तो बहुत भारी जीत हुई है, आगे आने वाले टाइम में समाजवादी ही आएगी। हाँ जी, ये बताइए ये जो पार्षदी का चुनाव है, ये आप व्यक्तिगत चुनाव मानते हैं या पार्टी बेस्ड चुनाव मानते हैं? व्यक्तिगत भी होता है लेकिन पार्टी का भी थोड़ा सा रहता है। अच्छा, ये बताइए पार्टी बेस पे अगर आपको पार्टी बाई चांस 1% टिकट ना दे या मौका ना दे, तो क्या ऐसी स्थिति में निर्दलीय भी लड़ना चाहेंगे? हम निर्दलीय भी लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे सपाई और अपनी जनता की सेवा के लिए हमको जो है निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे हम। जनता से अपील क्या करना चाहेंगे, अगर इरफान जी को अपील करना हो जी, तो वोट ये अभी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही करेंगे कि हमको जिताइए और हम पूरी क्षेत्र का काम करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, 24 घंटे जो है सेवा में उपलब्ध रहेंगे। सर, वर्तमान पार्षद जैसा कि आपके क्षेत्र में जल जल व्यवस्थाएँ हैं, तो इससे क्या पार्टी की छवि भी धूमिल होती है? हाँ, पार्टी की छवि खराब ही होती है कि सपा का कैंडिडेट है, काम कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए सपा को भी देने से इनकार करता है आदमी वोट, जब काम नहीं होगा तो वोट भी नहीं देता है। मुलायम सिंह यादव नहीं है, ऐसी स्थिति में 2024 का लोकसभा जो चुनाव होने वाला है देश में, तो उसका जो है इस नगर निकाय चुनाव से कोई लेना देना होगा, कोई फर्क पड़ेगा अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से कम अंतरों से जीतती है, कम जीतती है इस प्रदेश में नगर निकाय चुनाव? जी, चुनाव का फर्क तो पड़ता है, जब सभासद कम होंगे तो जो है विधायक भी कम होते हैं, MP भी कम हो जाएंगे, और मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है, लेकिन इतना वो कर गए हैं तो पार्टी का 2024 में सबसे आगे ही रहेगा। यदि आप जीतते हैं इस क्षेत्र से, तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या प्राथमिकता है जी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी, जैसा कि आपने अपने जो है पंपलेट में एजेंडे बताए हैं जी, क्या एजेंडा रहेगा जी? जो हमने वादा किया है वो सारे पूरे करेंगे, एकदम खड़े उतरेंगे। ये बताइए कि सबको साथ में लेकर के चलेंगे या 4 साल और लोग तरह गायब हो जाएंगे? नहीं, सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी तो विकास होगा जी, वरना विकास कहाँ हो पाएगा। तो जनता से आखिरी अपील क्या आपकी रहेगी? बस जनता हमें भारी मतों से जिताए और हम उसका काम करें जनता का।